हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर 2021 का पेपर, जिसका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा और इसका जो पेपर कोड है वो है C306। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर जो है 100 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट है, इसे कौन इसके ओरिजिनेटर हैं। तो इसके जो ओरिजिनेटर हैं, प्रवर्तक हैं, उनका नाम है जेम्स एच ब्लिस। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग। देखिए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसकी शुरुआत भी इसी काम के लिए हुई थी, ताकि हम लोग अपने जो डिसीजन है वो टाइम से और सही तरीके से ले सकें। तो इस तरह से आपने देखा होगा, जब आप चैप्टर नंबर 1 और 2 देखोगे तो उसके अंदर बहुत सी टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की, जैसे अपना रेशियो है, कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, ये सब टेक्निक हैं किस चीज़ की, डिसीजन मेकिंग की। द टर्म जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो पहली बार कब यूज़ किया गया था, 1950 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड वेरियस इन्फॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट, और उसके बाद लेटर ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आर पब्लिश बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो इसमें दिया गया है कि ये जो ए पॉइंट है ये ठीक है, लेकिन बी वाला पॉइंट जो इसकी रीज़न है वो रीज़न इसका फॉल्स है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच में। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो जो बजटरी नियंत्रण का लाभ क्या नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी, बाजार विभक्तिकरण में सहायक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सेल बजट इज ए। तो आप लोग बिल्कुल सही तरीके से बजट को पढ़ के जाएं। देखिए, जितने भी बजट हैं, सेल हो, परचेज हो, लेबर हो, मटेरियल हो, सभी बजट क्या हैं, फंक्शनल बजट हैं। ठीक है, सभी बजट क्या हैं, फंक्शनल बजट हैं। और अगर यहाँ पर आ जाए समरी बजट, तो समरी बजट कहते हैं हम लोग मास्टर बजट को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 7, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो नेचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो कैसा है, सेलेक्टिव या फिर चयनात्मक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जो कि गलत है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जीरो बेस बजटिंग वाज फर्स्ट यूज इन। देखिए, जो जीरो बेस बजटिंग है, जिसका बेस जीरो हो, वो पहली बार यूज की गई थी अमेरिका के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टेन में क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, फ्लेक्सिबल। उसके बाद है, ये क्वेश्चन पहली बार भी आया था 2022 में भी आया था, तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ था। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विद चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो इसका जो सही आंसर है रिमेन कॉन्स्टेंट। देखो, आप लोग समझिएगा इस पॉइंट को, इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट हमेशा क्या होती है, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है फिक्स, स्थिर। और जो अपनी फिक्स कॉस्ट होती है, कौन सी वाली कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, देखिए, जो अपनी फिक्स कॉस्ट होती है ये टोटल में कॉन्स्टेंट होती है। अगर हम टोटल देखें ना, तो ये कॉन्स्टेंट रहती है। जैसे गोडाउन का रेंट 10,000 रुपये है पर मंथ, तो ये फिक्स है। लेकिन उस गोडाउन के अंदर अगर हम लोग पहले 1 लाख यूनिट बनाते थे, अब 5 लाख बनाने लगे, तो जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो इनक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, लेकिन जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट, वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में ऐसा नहीं है। ये आपको बहुत मुश्किल से पॉइंट समझ में आएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू आउटपुट।
लेकिन पर यूनिट के हिसाब से वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। जैसे कि मैंने एक पेन लिया 5 रुपये का, अब मुझे 50 पेन लेने हैं तो भी मुझे 5 रुपये के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट में क्या है कि पर यूनिट जो वैल्यू है वो फिक्स है, और टोटल में ऐसा नहीं है। टोटल में टोटल जो वो है ना, अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट में टोटल फिक्स है, और जो पर यूनिट है, जो फिक्स कॉस्ट का अगर हम लोग पर यूनिट निकाल लें तो वो चेंज होता रहता है, लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए 12 में क्या दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस एट 60% कैपेसिटी कितने हैं? 1,20,000। उसके बाद है आउट ऑफ विच 20% आर फिक्स, देन सेलिंग एक्सपेंसेस एट 70% कैपेसिटी लेवल वुड बी कितने होंगे, ये बताना है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? 135,000। अब देखो जितने भी वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, तो मैं दोबारा से फिर से वीडियो बनाऊंगा। इसमें तो मैं सिर्फ क्वेश्चन सभी जितने भी हैं वो कराता जा रहा हूँ फटाफट से स्पीड से, ताकि वीडियो बड़ी ना हो, और इसमें जितने न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल की वीडियो मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही सोल्व करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। इफ़ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट कितनी है, 50% कैपेसिटी पे कितनी है, 40 and 20, तो टोटल कॉस्ट पूछता है 75% कैपेसिटी पे कितनी होगी। तो बिल्कुल एक ही चैप्टर से दोनों क्वेश्चन है, टू पीरियड है, इसका 80 आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, इन टू पीरियड टोटल कॉस्ट 50 है और 65, प्रोडक्शन कितनी थी, 10,015। तो उसके बाद पूछ रहा है इसके अंदर की फिक्स कॉस्ट बताइए। तो आपने 11th में, 12th में, बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी। तो कैसे निकालते थे हम लोग, देखो सबसे पहले निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका आप लोग फॉर्मूला लगा देना, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट और अपॉन में डिफरेंस इन आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी आपकी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद क्या निकालोगे आप लोग, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे आप लोग, जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा था, क्या था, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देना आउटपुट की मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से करके, ठीक है, जो यहाँ पे आई थी ना कॉस्ट पर यूनिट, उसकी मल्टीप्लाई आउटपुट से करके टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देना, किसी भी लेवल पे ले लेना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तो यहाँ पे हमारा हो ही गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए 15 में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेड इन हाउ मेनी कैटेगरीज। तो जो क्लासिफिकेशन है, वित्तीय विवरणों के आधार पर अनुपातों के वर्गीकरण को कितने वर्गों में रखा गया है, तो इसका सही आंसर 4 होगा, ठीक है। जो रेशियो है, रेशियो को 4 कैटेगरी के अंदर रखा गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 times है, टोटल सेल हमारी 2,00,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% है, तो एवरेज स्टॉक कितना होगा ये इसके अंदर बताना है। तो एसटीआर का फॉर्मूला लगाइएगा, एसटीआर के फॉर्मूले में आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करके देखिएगा, इसका सही आंसर आएगा 30,000। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, बजट। जो बजट है, बजट इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। देखिए जो बजट है वो अनुमान पर आधारित है, फोरकास्टिंग पर आधारित है, वास्तविकता पर नहीं। जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा किस तरह का एक्सपेंसेस है, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है। उसके बाद जो सेल थी कौन से मंथ की, अगस्त एंड सितंबर की, वो 20 and 21,000 है। 10% सेल कैश में होती है, 50% जो क्रेडिट सेल है वो कलेक्टेड होती है नेक्स्ट मंथ में, और जो बैलेंस है वो भी उससे अगले मंथ में। तो हमें क्या निकालना है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। देखिए इसमें सिर्फ डेटर वाले पैसे लेने हैं, और वो भी जिनकी कलेक्शन कहाँ होगी, अक्टूबर में। जैसे अगर मैंने कोई चीज़ अगस्त में सेल की है, ठीक है, अगस्त के बाद इसका 10% पैसा तो मुझे यहीं पे मिल गया होगा कैश में, फिर उसके बाद जितना बचेगा कितना, 90% का 50% यहाँ पे,
और 90% का 50% इससे अगले महीने में, जो कि हमें बनाना नहीं है। ठीक है, हमें तो क्या देखना, जुलाई वो अगस्त सितंबर अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर का भी देखना है तो अक्टूबर में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इस वाली सेल का लेंगे 21,000 का, 10% तो उसी महीने में कलेक्ट हो जाएगा सितंबर में। सितंबर के बाद जितना बचा उसका 10% लेस करने के बाद जितना बचेगा उसका 50% अक्टूबर में, दोनों को ऐड कर देना, सही आंसर आएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यूज ऑफ फंड इंक्लूड इंक्रीज इन फिक्स असेट्स। उसके बाद है परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशू ऑफ शेयर। देखिए अगर मैंने कोई बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग किस कैटेगरी की है, यह है अपनी फिक्स की या नॉन करेंट की, और जो शेयर हैं ये भी नॉन करेंट है, तो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। ये क्वेश्चन आपका फंड फ्लो से लिया गया है। फंड फ्लो में हमने बताया था कि भाई जब भी दो आइटम होंगे और दोनों एक ही कैटेगरी की होंगी तो वहाँ पे फंड फ्लो नहीं होगा, तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दी द अबव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो सही आंसर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें जो मेन पॉइंट रहता है कैश फ्लो के अंदर वो किस पे रहता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, सेलिंग प्राइस 15 है, वेरिएबल कॉस्ट 9 है, फिक्स कॉस्ट 600 पर एनम है, तो पीवी रेशियो क्या होगा। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल और इनटू 100। अब देखो भाई कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूँ, 15 - 9 तो कितने रहेगी, 6, और सेल कितने की है 15 की और यहाँ पे 100, तो उसके बाद ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 2 और 5 = 15 = 3। ठीक है, और ये आ जाएगा उसके बाद 2 × 2 = 4 = 40%। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 40%। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, विच फॉर्मूला इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल मिक्स वेरियंस। तो सही फॉर्मूला है इसका, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इफ सेल कितनी है 20,000, पीवी रेशियो कितना है 40, फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो इसमें फॉर्मूला लगाइएगा आप पीवी रेशियो का, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, तो जो प्रॉफिट आप लोग इसके अंदर फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, सिर्फ आपको क्या चाह रही है इसके अंदर, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा यहाँ से आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन से पूरा पूरा काम चलेगा। देखो मैं बना देता हूँ, आप लोग यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना। ठीक है, मैं बना दे रहा हूँ, देखो कैसे कैसे करोगे आप लोग। सबसे पहले एस लिखिएगा, एस का मतलब है सेल, यहाँ पे सेल की वैल्यू लिखिएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट है नहीं है माइनस करने के लिए, सीधा कंट्रीब्यूशन पे पहुँचेंगे और कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देना फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से कर लेना आप लोग, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर देखते हैं भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या दे रखा है, विल प्रिपेयरिंग कैश बजट कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इज एडिड। कहाँ पे ऐड करेंगे, पेमेंट के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, कैश बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिसबर्समेंट फॉर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट किसकी है, तो ये स्टेटमेंट है गुथमैन एवं डुगल की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग बजट, तो क्या है, सेल फोरकास्ट करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, एक सिंगल रेशियो इन इटसेल्फ इज मीनिंगलेस। तो आपको क्या करना है, ये किसकी डेफिनेशन है या किसकी स्टेटमेंट है, तो देखिए जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं दो तीन क्वेश्चन स्टेटमेंट के आ चुके हैं, तो आप लोग कुछ स्टेटमेंट जरूर तैयार करके जाइएगा, डेफिनेशन को रट लेना कि भैया किसके साथ कौन अटैच है। उसके बाद हायर रेशियो इज बेटर इज नॉट एप्लीकेबल टू, देखो जो हायर रेशियो है ये कहा गया कि जैसे सोलवेंसी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, क्विक रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, करंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा नहीं है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या दिया है, फिक्स कॉस्ट 36, सेल 1,20,000, वेरिएबल कॉस्ट 60, यूनिट सोल्ड इतनी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है क्या बताना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मल लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। देखो हमारी पूरी बुक के अंदर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होता है तो सिर्फ एक ही चैप्टर में यूज होता है, वो है कैश फ्लो। और कैश फ्लो में सिर्फ एक ही AS यूज होता है, रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। उसके बाद अगर हो सकता है, देखिए आप लोग इसकी डेट जरूर देख के जाएगा कि कौन सी डेट में से इशू किया गया था, इशू करने वाला कौन है, ICAI, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ओपनिंग जो डेटर्स हैं इतने हैं, क्लोजिंग इतने हैं, नेट प्रॉफिट इतना है, तो क्या निकालना है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। तो जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी कितना होगा, तो आप लोग क्या करना है, इसके अंदर स्टेटमेंट बना के तब क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 2 लाख। उसके बाद ये फॉर्मूला बताना है कि ये फॉर्मूला किसका है। देखिए यहाँ पे नेट क्रेडिट परचेज, देखो जब हम लोग किससे परचेज करेंगे तो इसका मतलब है हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका है, एवरेज पेमेंट पीरियड का है। अगर यहाँ पे सेल होती तो फिर किसका होता है, एवरेज रिसिप्ट पीरियड का। और अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं इसका मतलब है उधार में एक परचेज कर रहे हैं, तो भाई पैसा देना पड़ेगा, तो सही फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज पेमेंट पीरियड इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, व्हेन द इक्विटी कैपिटल एग्जिट्स एंड कंपैरिजन विद द डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है तो वो कैसा होगा, लो गेयरिंग। देखो यहाँ पे बड़ा सिंपल वर्ड में समझ लेना, दो वर्ड है, हाई गेयरिंग और लो गेयरिंग। हाई गेयरिंग किसे कहेंगे, बहुत सिंपल वर्ड में, अगर बाहर वालों का पैसा ज़्यादा होगा, इक्विटी वालों का पैसा कम, ठीक है, इक्विटी इज लेस देन, इक्विटी लेस देन है किससे, प्रेफरेंस और प्लस डिबेंचर या फिर लोन, इन तीनों को मिला के अगर इक्विटी कम है तो उसे कहेंगे हम लोग हाई गेयरिंग। और अगर ये रिवर्स हो जाए, इक्विटी ज़्यादा हो जाए, प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर प्लस लोन ये कम हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, लो गेयरिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे लगता है इसका आंसर गलत दे रखा है शायद, एक बार मैं देखता हूँ, समता पूंजी ऋण पत्र और पूर्वाधिकार अंशों की तुलना में अधिक हो, ठीक है ये ज़्यादा है, कौन, इक्विटी कैपिटल, बिल्कुल सही है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, लो गेयरिंग। देखिए यहाँ पे बात सही कही गई है, अधिक, अगर ये ज़्यादा होगी, इक्विटी इज ग्रेटर देन, ठीक है, अगर इक्विटी ज़्यादा होगी डिबेंचर से प्रेफरेंस शेयर से, तो हम उसे क्या कहेंगे, लो गेयरिंग। हमें बाहर वालों को देखना है कि बाहर वाले ज़्यादा हैं तो हाई गेयरिंग, और बाहर वाले कम है, बाहर का मतलब है प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स लोन, ये फिक्स जो है चार्जेस वाली प्रॉपर्टी है या कैपिटल है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 में क्या है, डिविडेंड पर शेयर कितना है, 5 रुपये, और एवरेज जो मार्केट वैल्यू पर शेयर है वो है 25, तो इसमें क्या निकालना है, डिविडेंड यील्ड रेशियो, ठीक है, मतलब कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है। तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मल लगाएंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो का कि डिविडेंड पर शेयर और अपॉन में मार्केट वैल्यू पर शेयर, इसे 5 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए जो दूसरा, उसके बाद आपने इसका आंसर निकाल ही लिया होगा, इसका आंसर कैसे निकालना होगा आप लोगों ने, डिवाइड करके, ठीक है, 5 को 25 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100, तो 25 चौका 100 और 4 पंजे 20 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। और 37 में क्या है कि जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं 30 हैं, करंट रेशियो कितना है, 2.25, लिक्विड रेशियो कितना है, 1.25। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, CA अपॉन में CL, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, CA। उसके बाद आप लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाना, लिक्विड असेट्स मिलेंगी, फिर दोनों का डिफरेंस लेना, करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स का, तो जो भी डिफरेंस है ना वही अपना क्या होगा, स्टॉक जो कि कितना है, 30,000। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है ये कौन से रेशियो में कवर होगा,
तो आप लोग देखें जब रेशियो का चैप्टर पढ़ें तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि चार तरह के रेशियो हैं, कौन सा रेशियो कौन से रेशियो के अंदर कवर्ड होने वाला है। तो जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो है किसमें इंक्लूड है, सोलवेंसी रेशियो में। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, ठीक है, इसमें मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन कोई भी नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कॉस्टिंग मेथड विच चार्ज द प्रोडक्ट विद ओनली दोज कॉस्ट दैट वेरी डायरेक्टली विद वॉल्यूम, तो ये किसने कहा, ये कहा है फ्रैंक ने, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रैंक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 24, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 10, एक्चुअल क्वांटिटी 200 और एक्चुअल प्राइस 10, हमें क्या निकालना है मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो इस आप लोग मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा 400। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है 15, परचेज 40, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 52,000, सेल कितना है 57, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो आप लोग बड़े सिंपल तरीके से बना सकते हैं इसे, बताए कैसे बनाएंगे, आप लोग कुछ ही मत करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें वो बना लो जो है ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर लो इसे। ट्रेडिंग में क्या होगा, जब आप ट्रेडिंग में बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक को तो डेबिट में रखना और परचेज को भी डेबिट में रखेंगे, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, ठीक है, सीधा वो बनाओ इसका ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद है सेल, सेल लिख देना बाय साइड में और डिफरेंस लेके सही आंसर इसका आ जाएगा। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है इसके अंदर, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना पहले, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, COGS के फॉर्मूले से, COGS का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ओपनिंग प्लस परचेज दोनों को प्लस करके माइनस कर देना, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा क्लोजिंग स्टॉक। फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे बना देना भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में चार ही तो आइटम है यहाँ पे, ओपनिंग क्लोजिंग हमने डिफरेंस से निकाला और परचेज, ठीक है, सेल जो भी डिफरेंस होगा वही अपना ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस होगा, तो सही आंसर कितना है इसका 5,000। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि जो टोटल कॉस्ट है 60 है, फिक्स कॉस्ट कितनी है 30 है, सेल कितना है 1, तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है वो भी रुपीज के अंदर, तो सही आंसर कितना होगा C42857। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में, देखिए क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, पीवी रेशियो कितना है 60% है, तो हमारे से पूछ रहा है कि प्रॉफिट वुड भी कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो सही आंसर कितना आएगा 12%। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर अपना 46, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दोनों के अंदर ही क्या है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग किया जाता है और दोनों के लिए ही ये यूजफुल है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है, हाउ मच इन मार्जिन जो है मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट एंड हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट, तो आप लोग जैसे मैंने आपको बताया था अभी वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर, कि आप पहले क्या निकाल लेना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिर क्या निकाल लेना टोटल फिक्स कॉस्ट, वो फॉर्मूले मैंने आपको भी बताए थे कुछ देर पहले ही। उसके बाद है जो मार्जिनल कॉस्ट मेथड है, ठीक है, जो मार्जिनल कॉस्ट मेथड है इज़ यूजफुल, कहाँ पे यूजफुल है, सभी जगह इसका यूज़ होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 49 में क्या दे रखा है, फाइनेंशियल डाटा ऑफ ए कंपनी, करंट रेशियो इतना है, क्विक इतना है, करंट लाइबिलिटीज इतनी है, इन्वेंट्री जो, उसके बाद देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, क्या पूछा हुआ, सेल, ठीक है, तो आप लोग सेल निकाल लेना और इसका जो सही आंसर होगा 2160,000। उसके बाद है लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है, काफ़ी रेशियो से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो जो लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है किस चीज़ को इंडिकेट करता है, स्लो कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू सेल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, जो रेशियो है रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल इज कितना है, या उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो रेशियो है किस चीज़ का, नेट प्रॉफिट का बिफोर टैक्स,
इंटरेस्ट एंड टैक्स टू सेल यानी कि सेल से संबंधित, तो क्या होगा ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सही आंसर है। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने 51 ही क्वेश्चन किए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, देखने में फिर दिक्कत होती है। तो उसके बाद हम लोग इसी के साथ दूसरी वीडियो भी अपलोड करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर फिर से 51 से लेकर के आपको 100 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा।